कैसे सब लोग, आई होप आपसे बढ़िया हूँ। मैं तो एकदम बढ़िया हूँ। आज तो लोग हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। मम्मी टाइम तो बता दो, ग्यारह बज रहे हैं तो गाइस अभी के टाइम हो रहा 10:30 बज रहे हैं और हम लोग पता है अभी सो के उठे हैं। अभी मैं सो के उठा हूँ भाई, आज तो छुट्टी थी ना सैटरडे, इस वजह से तो गाइस आज बहुत ज़्यादा लेट उठा हूँ मैं। और यहाँ पर ना आज का मतलब फिर गर्मी हो गई, बारिश हुई थी 2-3 दिन, अभी फिर बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। तो अभी मैं नहाया नहीं हूँ, अभी चलेंगे नहाए धोएंगे। सबसे पहले चलते हैं नीचे और देखते हैं मम्मी और दीदी पापा जी लोग क्या कर रहे हैं। मम्मी आज आप पोछा लगा रही हो, क्या बात है मम्मी? पोछा लगवाए भी इससे लगा सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि मम्मी ही लगाए। अरे अच्छा सुनो सुनो सुनो, एक बार और अच्छे से साफ करो इसको ऐसे। अच्छा ये बताओ, ये ज्यादा अच्छा, ये पोछा ज्यादा अच्छा है, बोलो और क्या? नहीं तो क्या ऐसे बनाया गया है कि पैर लगाओ, ना झुकना ना बैठना, आसान है ना आपके लिए? मेरे लिए क्या, पूरी दुनिया के लिए आसान है। अरे वाह, अरे आप वो ले लो, एक काम करो MI का, वो ऑटोमेटिक जो झाड़ू भी लगाता है पोछा भी लगाता है, इतना बड़ा रोबोट MI रोबोट, उसको उसको ऑन कर दो, पूरा पूरा आपका घर पूरा साफ करके देगा। ले आना बोगा, हाँ ले आना, खरीदे ना। वाइट की ब्लैक अपने पैसों से खरीदना ले। हाँ ठीक है, वाइट की ब्लैक, वाइट लाना, वाइट गंदा हो जाएगा। अब वो सब डराओ मत मम्मी। अच्छा सुनो 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 सुनो, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, एक बात बताना, अगर मैं अभी यहाँ पर ला के कूड़ा कचरा फिर डस्टबिन गिरा दूँ तो आप क्या कहोगी? डंडा इसीलिए दिया गया है जब बच्चे ज्यादा सतानी कर रहे हैं ना, इसी को जलाओ वाला। अच्छा सुनो, आप ना ये काम करो, आप पोछा लगाओ, मैं जा रहा हूँ अपनी पुरानी वाली साइकिल देखने, ठीक है? देख के क्या करेगा? उसको रिपेयर करवाऊंगा, तो वो भी चल। अरे बहुत पैसा है मेरे पास, वो टी शर्ट वहाँ से उठा के ला लो। अच्छा वो पहन लूंगा, पहन लूंगा। अब इसके बाद वो वाली पहनोगे? नहीं यार अब नहीं पहनूंगा, बस आप अपना पोछा लगाओ, मैं अपनी पुरानी साइकिल लेके आता हूँ, ठीक है? पीछे खड़ी है, धूल खा रही है, देख के आता हूँ। और आप पोछा लगाओ। तो गाइस देखते हैं चल के अपनी पुरानी वाली साइकिल। ओ भाई ये खड़ी हुई है यार, भाई कितनी अच्छी लग रही है, इसको क्या बना के रखा है। गाइस हम लोग की बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हैं भाई, इसको क्या बना के रखा है, झाड़ूएँ रख रखी हैं भाई इसमें, इसको पहले रखो नीचे साइड में। और भाई ये किसने कपड़े टांगने वाली बना रखी है भाई पूरी, इसको साइड करो, ये सब क्या है, इसको हटाओ भाई, अपनी ये फेवरेट साइकिल है गाइस, इसको बाहर निकालते हैं, छिपकली तो नहीं है ना डर। गाइस इसी साइकिल पे हम लोगों ने वो इंस्टॉल किया था, गाइस इसी साइकिल पे हम लोगों ने साइलेंसर इंस्टॉल किया था भाई, बहुत मस्त आवाज आती थी एकदम पट 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 पट। तो भाई ये इसकी क्या हालत हो गई गाइस, इसको हम लोग ना रिपेयर कराएंगे अच्छे से और एकदम नई जैसी साइकिल बना देंगे। चलो इसको अभी बाहर लेके चलते हैं। मम्मी ये कढ़ी वैसे कैसे बनती है बताओगे थोड़ा बहुत? अब तुम कढ़ी भी बनाने लगोगी क्या? ना मतलब आपने अभी मेरे से बोला कि आप अभी मेरी फेवरेट चीज़ बना रही हो, मेरी फेवरेट चीज़ तो कढ़ी है, अब कढ़ी तो कढ़ी तुमको बनाना सिखा दे। बताओ कैसे बनाते हैं? बेसन लेते हैं ऐसे, देखो ऐसे करते हैं, हाँ? बेसन लेते हैं, हाँ फिर इसमें क्या लल्लू बनती है, फिर इसमें नमक डालते हैं, फिर इसमें साल्ट डालते हैं। अरे मैं बताऊं इसको कहते हैं सीक्रेट मसाला। अबे तुम कौन सा मसाले? यही नमक को कहते हैं सीक्रेट मसाला है गाइस ये हमारा। अच्छा सीक्रेट मसाला नहीं, नमक। अरे मैं थक गया मम्मी, एक काम करो आप बना के वाली ही। हाँ एक काम करो आप खुद बना के मेरे को खिलाओ, मैं थक गया हूँ। हाँ अब मम्मी मेरा फिर मन करने लगा देखने का कि कढ़ी कैसे बनती है। तुम बार बार कढ़ी देखोगे बन जा रहे हो।
ये क्या है? अच्छा ये तो बता दो। अच्छा वही बेसन है ना, वही वाला बेसन है ना। ठीक है बनाओ फिर मुझे खिलाओ स्वादिष्ट सी कढ़ी।